वाहेगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा साहब बरमबला के सभी कमेटी और सभी नौजवान बच्चे हमारे माताएं बहने यहाँ पर जो सुभाष नगर में जहाँ पर एक मासूम सी बच्ची जिसका साथ में घिनौना अपराध हुआ है उसका खंडन करते हुए हम सारे लोग यहाँ पर पीसफुली एक कैंडल रैली के तौर पे यहाँ से निकल रहे गुरुद्वारा बरमबला के सामने से। सभी से अनुरोध है जो भी इसके गुनहगार है कानून उनको उनके हिसाब से कठिन और बहुत कठिन शिक्षा उनको दे कि अगली बार ये हमारे हैदराबाद में दोहराया ना जाए। इससे पहले भी हमारे हैदराबाद में बहुत अच्छा इंसाफ हुआ है। हम आशा करते हैं कि पुलिस उसी तरह से उसी वही काम को फिर से अंजाम देंगे। हम सज्जनार साहब को याद कर रहे हैं इसमें, लास्ट टाइम उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। हम तमाम पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि उनको अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और परिवार को शांति रहना बोल के गुरु घर में इनके लिए प्रे करें, अरदास करें। और सभी भाई बंधु हमारे हर जगह के, हैदराबाद के, महाराष्ट्र के, करीमनगर के, हर हैदराबाद में हर कोने कोने में ये कैंडल मार्च चल रहा है। और आप सभी मीडिया वाले भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि आवाज़ को बुलंद किया जाए, हमारा साथ दिया जाए। इस काम के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे वर्ग के लोग हमारे साथ है। और अगर वो लड़की चाहे सीखना होती या हिंदू होती या मुसलमान होती तभी भी हम साथ में होते थे। और हम पूरों से विश्वास है कि आप हमारा साथ देंगे और ये कैंडल मार्च पीसफुल रहेगा तो हम एक साथ निकलेंगे। और ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार को सोनी कौर जिनकी आत्मा को शांति मिले और सबर मिले उनके परिवार को और उनको कोई सपोर्ट मिले। हम हमारे सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, नम्रतापूर्व, और पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द उन दोषियों को सजा मिले। थैंक यू वेरी मच। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Thank you.